चैनल मेडिकल है नेस्ते सर। तो आज हुआ था यूपीपीएससी वालों का पेपर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, 3000 प्लस पोस्ट थी। तो आंसर की मुझे 2 o'clock तक मिल गई थी, बट भी सॉल्व हो पाई है कुछ बिजी रहने के कारण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नर्सिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से आया था। एंड सेकेंड पार्ट में हम जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा, जिसमें जी के करंट अफेयर ये सभी चीज़ें वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये पेपर आया था, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही इजी पेपर आया, बिल्कुल मीडियम लेवल या इजी लेवल का पेपर हम कह सकते हैं। कट ऑफ भी हो सकता ज़्यादा जाए, बट कट ऑफ हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। तो ये पेपर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आया था, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो हिंदी में इजी रहे हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। तो थायमिन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन में था बेरीबेरी, पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस या फिर स्कर्वी। तो जो थायमिन है, थायमिन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो वो होगी बेरीबेरी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए बेरीबेरी। आई होप ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आया है। नेक्स्ट इज फ्रेस 100 days कफ इज यूज फॉर विच डिसीज। 100 दिन की खांसी किसके लिए कहा जाता है। ऑप्शन में था ट्यूबर क्लॉसिस, मीजल्स, डिप्थीरिया या फिर पर्ट्यूसिस। तो 100 दिन की खांसी और बूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको कुछ कोड दिए हुए हैं कि आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। तो ए में था इनवाइटेबल अबॉर्शन, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या फिर डी ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है यहाँ पे आपको वो बताना था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का वो होगा, तो ऑक्सीटोसिन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट। एंड जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है क्या है, हीमोलाइटिक डिसीज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, सेकंड आएगा। तो इससे आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि यदि आप 2 को सही से मैच करते हैं तो बाकी आपको 2 मैच करना ईजी होगा। सी का क्या होगा, 2 हीमोलाइटिक डिसीज। डी का क्या होगा, फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि जो ए है यहाँ पर इनवाइटेबल अबॉर्शन है क्या है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होगा, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, इसमें रप्चर ऑफ यूट्रस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज इन विच स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रन। तो ओडिपस ओडिपल कॉम्प्लेक्स जो कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़ा है, किस स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स जनरली 3 to 6 ईयर जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। तो जो ऑडिपल कॉन्फ्लिक्ट है क्या होगा, फैलिक स्टेज में आपको देखने को मिलेगा बच्चों में। नेक्स्ट इज फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इज नोन एज। तो फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इसके लिए क्या कहा जाएगा, तो ये कहलाएगा हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर में है जो क्या इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मसल टोन या फिर कलर ऑफ द बेबी। तो हार्ट रेट रहेगा, मसल टोन होगा, कलर ऑफ द बेबी होगा, बट ब्लड प्रेशर इसका पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, इन रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन सेफेलोकॉइडल डायरेक्शन, सेफेलोकॉइडल का मतलब होता है हेड टू फुट। सेकेंड ऑप्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, मतलब कि सेंटर पार्ट से लेके पेरीफेरल पार्ट की तरफ ग्रोथ होना। तो बच्चों की ग्रोथ किस तरीके से होगी, सेंट्रल प्रॉक्सिमल होगी कि सेफेलोकॉइडल में होगी।
दोनों वे में हो सकती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि हेड टू फुट भी होगी जब बॉडी मास इंडेक्स आपका बढ़ेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो, और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होगा, बॉडी के जो ऑर्गन में डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर ये सभी चीज़ें होंगी, तो ये दोनों प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेंगे। नेक्स्ट इज इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 59। तो MTP एक्ट भारत में कब आया था, ऑप्शन में 1981, 1990, 1971 या फिर 2000। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था 1971 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एज अ साइड इफेक्ट। तो EPS सिम्टम है जो कौन सी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हैं। जितने भी क्वेश्चन आए आपको ऑलमोस्ट पूरे नर्सिंग सेक्शन के स्पेशली, क्योंकि हमने चैनल पर जानता नर्सिंग सेक्शन को सॉल्व किया है अपने, तो पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आपने लास्ट 1 or 2 months के वीडियोज़ कंटिन्यूस वॉच किए होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी, बट पेपर बहुत ही ईजी आया है एज़ कम्पेयर टू 2017 के पेपर से। तो EPS सिम्टम है किस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हैं, तो ये एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेमरेजिक विटामिन। तो एंटी हेमरेजिक विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो एंटी हेमरेजिक किसको कहा जाता है, विटामिन के को एट द बर्थ बेबीज में, इसीलिए इसको एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। नेक्स्ट RT-PCR टर्म डिनोट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा RT-PCR टेस्ट हुए हैं कोविड के लिए। ऑप्शन में था रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइस टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये सभी को पता है कि RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो DNA है उसको RNA में कन्वर्ट करना, RNA टू DNA में। नेक्स्ट आया था यहाँ पर मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड करेक्टली। तो यहाँ पर जो पेपर का फॉर्मेट रहा है, जो प्रीवियस 2017 में पेपर हुआ था, सेम फॉर्मेट रहा है कि जोड़ी बनाने के लिए भी आई हैं आपको, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी दिया हुआ है और IQ रेंज दी हुई है, तो आपको बताना है कि कितने ऑफ लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी पर IQ रेंज क्या होगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 में, तो यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ है, इडियट। जो इडियट कैटेगरी में लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी जो IQ रेंज रहेगी वो होगी क्या, 0 to 24 है, 0 to 25 होती है, तो यहाँ पर ए होगी 0 to 24। दूसरा आता है एम्बिसाइल का मतलब होगा यहाँ पर जो IQ रेंज होगी वो कितनी होगी, 25 से 50 होती है जनरली, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 25 to 49। फिर थर्ड में आता है मोरोन में आएंगे 15 to 69, और जो नॉर्मल होंगे वो होंगे 90 to 109 वाले। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको अब इस कोड में मैच करना होगा, यहाँ पर ये जोड़ी मिला दी गई है कि इडियट में IQ रेंज क्या होगा, एम्बिसाइल मोरोन और नॉर्मल में क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ए का क्या है थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस, ये क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस कौन सा पार्ट है, ऑप्शन में पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम या फिर इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस क्यों कहा जाता है, तो ये कही जाती है मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, क्योंकि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये लेयर बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो इसीलिए इसको लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम को। नेक्स्ट इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 and 9। तो जब 8वें और 9वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसकी कमी हो जाए तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, ऑप्शन में परप्यूरा, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर ल्यूकेमिया। तो यदि 8वें और 9वें नंबर फैक्टर की कमी होती है तब क्या होता है, हीमोफीलिया ए एंड बी इन दोनों फैक्टर की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि 8वें और 9वें नंबर के फैक्टर की कमी हो जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, हीमोफीलिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर। तो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑप्शन में सेरेटोनिन एंड मेलेटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, थायरोक्सिन एंड एड्रेनालिन या फिर एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन।
तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन से दोनों क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट, यदि डॉग बाइट की कंडीशन होती है तो कौन सा एज एन इमीडिएट मैनेजमेंट के तौर पर हम यूज करेंगे। ऑप्शन में सूचरिंग ऑफ वुंड, एंटीसेप्टिक ऑन वुंड, हॉस्पिटलाइजेशन, वॉशिंग द वुंड विथ सोप एंड वाटर। तो इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा डॉग बाइट के लिए, कि जहाँ पर भी डॉग ने बाइट किया है, काटा है, वहाँ पर पानी और साबुन से अच्छे से वुंड को क्लीन करना, वॉश करना। नेक्स्ट इज, एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड्स विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो हाउसिंग स्टैंडर्ड को लेके कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ऑप्शन में मिनिमम हाइट ऑफ रूफ शुड बी 10 feet, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 windows इन अ रूम, विंडो शुड बी एट द हाइट ऑफ 3 feet इन द वॉल ऑफ द रूम, या फिर एवरी रूम शुड हैव 2 doors ऑफ 6 feet हाइट। तो यहाँ पर एवरी रूम में जनरली एक गेट भी चलेगा, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होगा डी। आप भी इसको एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज। तो इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा, कि जब अमाउंट ऑफ ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है ईच वेंट्रिकल में, और वो भी पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट इज, विच वन इज द रियल पार्कलैंड फॉर्मूला टू एस्टिमेट द फ्लूड रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट 24 आवर इन अ सीरियस बर्न पेशेंट। तो सीरियस बर्न पेशेंट के लिए जो पार्कलैंड फॉर्मूला है वो कौन सा होगा, तो वो होगा ए, 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया TBSA इन परसेंटेज इंटू बॉडी वेट इन किलोग्राम। तो 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, सॉरी टोटल बर्न सरफेस एरिया इन परसेंटेज एंड बॉडी वेट इन किलोग्राम। नेक्स्ट इज, ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट। तो पॉपुलेशन जो जनसंख्या वृद्धि है उसके सभी इम्पैक्ट होंगे, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में पॉवर्टी, पर कैपिटा इनकम, फूड, या फिर रिलीजन। जनसंख्या वृद्धि से पर कैपिटा इनकम भी इफेक्ट होगी, पॉवर्टी गरीबी भी आएगी, भुखमरी भी होगी, फूड को भी लेके प्रॉब्लम होगी, कमी होगी, बट धर्म को लेके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कोई भी रीजन नहीं होगा। नेक्स्ट इज, विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक। तो एनाफिलेक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए जो सबसे कॉमन मेडिकेशन यूज होती है वो क्या है, वो है एड्रेनालिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी, एड्रेनालिन। नेक्स्ट इज, लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्रोमाइज ऑल स्टेप एक्सेप्ट। लार्ज स्केल पर यदि वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है तो सभी स्टेप्स इंक्लूड होंगे किसी एक को छोड़कर। तो वाटर स्टोरेज होगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा, फिल्ट्रेशन किया जाएगा, बट जो नहीं होगा तो वो होगी स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। नॉट है यहाँ पर, ICN और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस को लेके क्या पॉइंट सही नहीं है। ऑप्शन में है, इट वर्क्स टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल, इट हेल्प्स इन एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज, इट इंश्योर टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड नर्सिंग फोर्स, इट कंट्रीब्यूशन इन इंश्योरिंग साउंड हेल्थ पॉलिसी इन वर्ल्ड इन मिनिमल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है वो अच्छी हेल्थ को लेके बहुत ही कम पॉलिसी वगैरह लाता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट व्हेन अ वुमेन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम। तो कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जब वुमेन का एक ही टाइम पर बहुत सारे हस्बैंड हो, जैसे कि महाभारत में आप देख सकते हैं। ऑप्शन में है पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी, या फिर ग्रुप मैरिज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होगा, एक वूमेन के बहुत सारे एक ही टाइम पर, मोर देन वन हस्बैंड होंगे एक ही टाइम पर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पॉलीएंड्री। और जब पॉलीगैमी का मतलब यहाँ पर होगा कि एक हस्बैंड की बहुत सारी वुमेन होना, जो कि राजाओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो टर्म हैं, तो यहाँ पे आपको यदि एक वूमेन के बहुत सारे हस्बैंड पूछते हैं तो पॉलीएंड्री, और यदि एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ होती हैं तो वो कहलाएगा पॉलीगैमी।
नेक्स्ट इज फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट मिड शाफ्ट इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व. तो ह्यूमरस में फ्रैक्चर होता है मिड शाफ्ट के यहाँ पर, तो कौन सी नर्व में इंजरी होगी? ऑप्शन में है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व या रेडियल नर्व. तो जो नर्व अफेक्ट होगी यहाँ पर वो होगी रेडियल नर्व. 76 का आंसर होगा यहाँ पर डी, रेडियल नर्व है जो अफेक्ट होगी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77 जो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है. इन अ कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इज. तो कंप्यूटर में कौन सा कन्वीनियंट प्लेस होगा जहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं और जिनको हमें ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उनको रिट्राइव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ऑप्शन में एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स, एड्रेस बुक या फिर स्टोर बुक. तो क्या होगा? तो वो है एड्रेस बुक, जहाँ पर हम कुछ कॉन्टैक्ट रखेंगे, जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है तो क्विकली उनको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ WHO. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा नहीं है? ऑप्शन में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, गवर्निंग बॉडी या फिर सेक्रेटरिएट. तो कार जो गवर्निंग बॉडी है WHO का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट इज DMPA इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज गिवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ एवरी. तो DMPA है जो, ये DMPA इंजेक्शन है जो कब दी, कितने इंटरवल के बाद दिया जाता है. तो जो DMPA इंजेक्शन है डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसीटेट है जो एवरी 3 मंथ में, 3 महीने के इंटरवल में इसको इंजेक्ट किया जाता है IM रूट से, जिसको डेपो प्रोवेरा के नाम से भी हम जानते हैं. नेक्स्ट डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन. तो यदि हम कुछ मेल्स डिलीट कर देते हैं तो कहाँ पर स्टोर हो जाती हैं? तो हो जाती हैं ड्रेस बॉक्स में. नेक्स्ट इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड. कुछ भी परमानेंट चेंजेस आना बिहेवियर में जो आपके एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आए हों तो वो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन में मैच्यूरेशन, मोटिवेशन, लर्निंग या फिर ऑब्जर्वेशन. तो ये सभी चीज़ें आप अपनी लर्निंग से सीखेंगे. नेक्स्ट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर दिए जाएंगे? ऑप्शन में L2-L4, L3-L4, L5-L6 या फिर L1-L2. तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है जनरली कहाँ पर दिए जाते हैं? L2-L3 दिए जाते हैं, बट ये L3-L4 भी दे सकते हैं. तो आंसर होगा यहाँ पर आपका बी. नेक्स्ट RH फैक्टर इन कंपेटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस. तो RH फैक्टर की इनकम्पेटिबिलिटी के कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन में एड, सिकल सेल एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटलेस या फिर टर्नर सिंड्रोम. जो हीमोलाइटिक डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी के कारण. तो यहाँ पर जो हीमोलाइटिक डिसीज है वो क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84. ऑल द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हेलिटोसिस इज करेक्ट एक्सेप्ट. हेलिटोसिस का मतलब होता है कि बैड ब्रीथ, जब आप सांस लेते हैं तो स्मेल आना. तो हेलिटोसिस के स्टेटमेंट में सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है. ऑप्शन में बैड ब्रीथ, ऑर्डर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया या फिर सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. तो हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रीथ और इसमें क्या होगा, सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होंगे, ऑर्डर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होंगे, बट कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया नहीं होंगे. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग्स टू डू इन केस ऑफ ब्लीडिंग वुंड ऑफ लेग ड्यू टू एक्सीडेंट. तो यदि कोई एक्सीडेंट का क्लाइंट है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? ऑप्शन में है अप्लाई प्रेशर एट सम प्रेशर पॉइंट, एलिवेट द वुंड साइट, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विथ अ क्लीन स्टेराइल ड्रेसिंग एंड अप्लाई ए बल्की ड्रेसिंग टू एब्जॉर्ब द ब्लड. तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी यदि ब्लीडिंग वुंड है, फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि ब्लड को स्टॉप करना होगा. उसके लिए आप स्टराइल ड्रेसिंग से डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं ब्लीडिंग पॉइंट पर. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी. पेपर बहुत ही ईजी आया है. नेक्स्ट विच डिसीज इज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन. तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो पर्सनल हाइजीन के कारण होगी? ऑप्शन में स्कर्वी, रिकेट्स, माइग्रेन्स या फिर हुकवॉर्म. तो स्कर्वी, रिकेट्स एंड माइग्रेन. माइग्रेन में हेडेक होगा तो ये आपकी पर्सनल हाइजीन के कारण नहीं है. रिकेट्स और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होगा, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होगा. तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या है वो होगा हुकवॉर्म डिसीज.
नेक्स्ट इज इफ ए फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इट इज नोन एज. तो जब भी कोई फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट यूट्राइन कैविटी से बाहर हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी. ऑप्शन में है मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रेटिफॉर्म मोल या फिर पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी. तो ऐसी प्रेगनेंसी जब इम्प्लांटेड ओवम क्या हो जाए, डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन दोनों यूट्रस से बाहर हो, तो ये कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज विच मॉस्क्यूटो ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर. तो कौन से मच्छर हैं जो साफ पानी में पनपते हैं या फिर अपनी जगह बनाते हैं. तो ऑप्शन में एनाफ्लिस, क्यूलेक्स, एडीज या फिर मेंसोनिया. तो जो डेंगू के मच्छर होते हैं एडीज मॉस्क्यूटो, ये साफ सुथरे पानी में है जो क्या होंगे, ब्रीडिंग करेंगे. नेक्स्ट इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में भी यूजफुल. तो फोटोथेरेपी किस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, तो होती है जॉइंटिस में. ऑप्शन में था एक्जिमा, सोरियासिस, न्यूनेटल जॉइंटिस या फिर बर्न. तो फोटोथेरेपी किसके लिए यूजफुल होती है, न्यूनेटल जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, वाइल इज फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ बॉडी. तो वाइल का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गन करता है. ऑप्शन में लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वाइल का फॉर्मेशन करता है लिवर, इसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यदि फॉर्मेशन पूछते तो लिवर, यदि स्टोरेज पूछते तब गॉल ब्लैडर. नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोट्स. तो फर्स्ट को सेकेंड लिस्ट से मैच करना है. तो फर्स्ट में कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग या फिर साइकोमोटर लर्निंग. तो यहाँ पर कौन सी लर्निंग है जो रहेगी. तो यहाँ पर जो ये है कॉग्निटिव लर्निंग, ये क्या है, नॉलेजेबल लर्निंग होगी आपकी. तो यहाँ पर ए को किससे मैच करेंगे हम, तो जो ए पॉइंट है इसको मैच करेंगे नॉलेज से. फिर बी में आता है अफेक्टिव लर्निंग, तो इसमें एटीट्यूड होगा. और जो साइकोमोटर लर्निंग है इसमें स्किल होगा. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, क्योंकि कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, नॉलेजेबल रहेगी. एंड अफेक्टिव लर्निंग में क्या होगा, एटीट्यूड होगा. और साइकोमोटर लर्निंग में स्किल डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट इज लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज अ बर्थ वेट ऑफ. तो जो LBW बेबीज होते हैं उनको किस कंडीशन में कहा जाता है कि लो बर्थ वेट बेबीज हैं, जब उनका बर्थ वेट कितना हो, लेस देन 2500 ग्राम से कम हो, 2500 ग्राम से कम हो उनका बर्थ वेट, तब वो बेबीज लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ वाटर बाय माइक्रोब्स इज नोन एज. तो जो पानी, सॉरी, जो अमाउंट रहेगा ऑक्सीजन का, जो ऑर्गेनिक मैटर्स को डीकम्पोज करना है हमें साथ में माइक्रोब्स के साथ में, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी. ऑप्शन में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर जिसको हम BODW के नाम से भी जानते हैं, यूट्रोफिकेशन या फिर सरफेस फ्लो. तो ये प्रोसेस कहलाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज मैक्विन साइन इज फाउंड इन विच डिसीज. तो मैक्विन साइन देखने को मिलता है हाइड्रोसिफेलस में. ऑप्शन में था हाइड्रोसिफेलस, मेनिनजाइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर सेरिब्रल पाल्सी. मैक्विन साइन देखने को मिलता है किसमें, हाइड्रोसिफेलस में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैन्यूला. तो नेजल कैन्यूला के द्वारा कितने ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए, 1 से 4 लीटर पर मिनट में. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए. नेक्स्ट इज ये था 21 पेज नंबर है, यहाँ पर अलग अलग सेट रहे हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज. तो इनमें से कौन सी है जो वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है. ऑप्शन में मीजल्स, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस है या फिर कोलेरा. तो टाइफॉइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस है, तीनों क्या है, वाटर बॉर्न डिसीज है. बट जो यहाँ पे नहीं है तो वो क्या है, मीजल्स. नेक्स्ट इज द पोस्ट पार्टम पीरियड एक्सटेंड फॉर हाउ मैनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी. तो डिलीवरी के बाद जो पोस्ट पार्टम पीरियड होता है जिसको हम परपीरियम पीरियड कहते हैं, तो कितने टाइम का होता है, तो होता है 6 वीक का, जिसमें जो ऑर्गन है वो वापस रिवर्ट होते हैं प्री प्रेगनेंसी स्टेज में. तो ऑप्शन में था 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक या फिर 8 वीक. तो जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, 6 वीक्स. नेक्स्ट इज वेयर इज द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ. यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में. WHO का जनेवा में. INC का कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क. नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज वाइडली यूज्ड इन.
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ है जो सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? ऑप्शन में प्रोपेलेंट्स, हीटर्स, कूलेंट्स या फिर कंडक्टर्स। तो जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका सबसे ज़्यादा यूज कूलेंट्स में किया जाता है। जो सीतक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, वहाँ पर CFC को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर। गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के फीचर और कैरेक्टर क्या होंगे? ऑप्शन में एक्यूरेसी, कॉन्साइजनेस, थ्रोनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो गुड रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग में सभी चीज़ें पाई जाती हैं कि एक्यूरेसी भी हो, कॉन्साइजनेस हो, थ्रोनेस हो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच वन इज़ द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो PPH का मेन रीजन क्या है? तो ऑप्शन में एटोनिक यूट्रस ट्रोमा, ब्लड कोआगुलोपैथी, रिटेंड प्लेसेंटा। तो जो PPH है, इसका मेन कॉज क्या होगा? तो इसका मेन कॉज है एटोनिक यूट्रस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो इनमें से क्या है जो केमिकल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ नहीं किया जाएगा? तो है फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि ये क्या है, गैस है, ना कि ये केमिकल एंटीसेप्टिक रहेगा। नेक्स्ट इज हिंड मिल्क ऑफ मदर्स ब्रेस्ट इज रिच इन। तो लास्ट में मिल्क निकलता है जिससे बेबी की हंगर सेटिस्फाइड होती है, तो क्या हिंड मिल्क है, तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा रहेगा? ऑप्शन में फैट अलॉन्ग विद विटामिन ए एंड डी, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन या फिर लैक्टोज। तो सबसे ज़्यादा हिंड मिल्क में क्या रहेगा? फैट के साथ साथ विटामिन ए और ई भी मिल जाएगा बच्चे को। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामिन्ड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के पेशेंट में, एक्सीडेंट का पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? ऑप्शन में पेटेंसी ऑफ एयरवे, हेमरेज, फ्रैक्चर या फिर हेड इंजरी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पेटेंसी ऑफ एयरवे को चेक करेंगे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। जुवेनाइल डेलिक्वेंट जो बाल अपराध ग्रह होते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में क्या है जो इंक्लूड नहीं होगा? ऑप्शन में शेल्टर होम। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी 18 साल से कम एज के बच्चों के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन में सभी जगह दी हुई हैं जहाँ पर तो जुवेनाइल बच्चे होंगे, बाल अपराध होंगे, बाल अपराधी होंगे, उनको वहाँ पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन में शेल्टर होम, रिफॉर्मेटरी स्कूल, बोर्स्टल स्कूल या फिर प्रोविजन हॉस्टल। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, बोर्स्टल स्कूल, क्योंकि यहाँ पर यंग लोग हैं जो उनको रखा जाता है, ना कि जुवेनाइल्स को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थर्ड, बोर्स्टल स्कूल। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, तो आपका आंसर है जो क्या होगा, तो वो होगा आपका आंसर डी। कैसे? ए का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा? सेकंड, रेड बैग में क्या डिस्कार्ड किए जाएंगे? ग्लव्स। येलो बैग में क्या होगा? यूज्ड बैंडेज डिस्कार्ड की जाएंगी। तो जो बी है यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। फिर आता है ब्लूइश वाइट पंक्चर प्रूफ बैग, तो इसमें क्या स्टोर है जो किया जाएगा? तो इसमें स्टोर किए जाएंगे नीडल्स। और ब्लैक बैग में क्या आएंगे? स्टेशनरी वेस्ट है जो रखा जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 107 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज प्रेफर्ड पोजीशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग अ बेबी विथ क्लेफ्ट पैलेट। तो यदि कोई क्लेफ्ट पैलेट का बच्चा है तो कौन सी पोजीशन यूज करेंगे ब्रेस्ट फीड कराने के लिए? ऑप्शन में अपराइट, सुपाइन, प्रॉन या फिर साइड लाइन। जो पोजीशन यूज की जाएगी वो होगी अपराइट पोजीशन। नेक्स्ट है ओलिगो यूरिया मीन्स। तो ओलिगो यूरिया का मतलब होता है कि जब यूरिन आउटपुट कितना हो, लेस देन 400 ml पर आवर से कम हो। जब यूरिन आउटपुट कितना हो, लेस देन 400 ml इन 24 आवर, 400 ml से भी कम यूरिन आउटपुट होती है, तभी सिचुएशन क्या कहलाएगी? ओलिगो यूरिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फीकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज। तो वाटर के लिए जो फीकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर कहा है यहाँ पर, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होगा कि पानी में क्या है, फीकल पॉल्यूशन प्रेजेंट है? तो वो होगा इकोलाई। क्या होगा यहाँ पर? इकोलाई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया इज। तो मैनिया के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो क्या है? वो है लिथियम। क्या है? लिथियम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी।
नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बियरिंग. तो बच्चे के जन्म के लिए सबसे कॉमन और आइडियल पेल्विस क्या है, तो वो है गायनेकॉइड पेल्विस. ऑप्शन में था एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिप्लॉइड या फिर गायनेकॉइड. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी गायनेकॉइड. नेक्स्ट इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम EHR स्टैंड फॉर. तो EHR का फुल फॉर्म पूछा है, तो ऑप्शन में एलिमेंट्री हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, एवोल्यूशनरी हेल्थ रिकॉर्ड या फिर नन ऑफ दी अबव. तो EHR का मतलब होता है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर का क्वेश्चन है. कॉबलर रॉस की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेज है जो. तो क्वेश्चन है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन. तो डाइंग पर्सन की आपको स्टेज बतानी है, तो यहाँ पे सीधा आपको करेक्ट सीक्वेंस बताते हैं. तो कॉबलर रॉस के अकॉर्डिंग जो डाइंग और ग्रीफ की स्टेज है वो डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस. सबसे पहले डिनाइल करेंगे, गुस्सा आएगा, बार्गेनिंग करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, बट एट द लास्ट एंड में आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी. नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल इन इंडिया. तो भारत में नॉइस लेवल कितना है, तो फैक्ट्रीज के लिए और जो रहने वाले एरिया है वहाँ पे अलग अलग रखा गया है, तो नॉट मोर देन 75 तक रखा गया है. तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आप आंसर बी को भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इन प्रीमी ग्रेविडा मदर व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर प्रीमी ग्रेविडा में कितनी होगी, तो होती है 12 आवर. दी मल्टी है तो 6 बटे प्रीमी में पूछा है तो 12 आवर. नेक्स्ट इज विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन. तो बोन्स की प्रॉपर हीलिंग के लिए फ्रैक्चर हुआ है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होगा. ऑप्शन में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन या फिर एंटीबायोटिक्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा बोन हीलिंग के लिए फ्रैक्चर है तो इमोबिलाइज करना. नेक्स्ट इज विच वन इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस. तो गैस्ट्राइटिस को कॉज करने वाला सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो हेलिकोबैक्टर पायलोरी, एच पायलोरी. ऑप्शन में साल्मोनेला, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, निसीरिया गोनेरिया या फिर नन ऑफ दी अबव. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी हेलिकोबैक्टर पायलोरी. नेक्स्ट इज मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड डेली बाय एन एवरेज हेल्दी एडल्ट. तो एक हेल्दी एडल्ट को एटलीस्ट कितना सोना चाहिए, एटलीस्ट 7 घंटे तक. मिनिमम ड्यूरेशन पूछा है तो 7 घंटे तक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल मेनली हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कौन से इक्विपमेंट से हम बच सकते हैं. ऑप्शन में ग्लव्स, मास्क, गाउन या फिर सू कवर. तो किससे हम बच सकते हैं, तो वो है मास्क. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट. तो मैनेजमेंट के सभी फंक्शन हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर. ऑप्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिक्टेटिंग या फिर कोऑर्डिनेटिंग. तो मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी होगी, ऑर्गेनाइज करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा, डिक्टेटिंग इनका काम नहीं होगा. नेक्स्ट इज विच ड्रग में प्रोड्यूस रेड कलर यूरिन आफ्टर इट्स कंजप्शन. तो कौन सी ड्रग है जिसको लेने के बाद यूरिन का कलर कैसा आएगा, रेड हो जाएगा. तो वो रिफामसिन, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है जो रिफामसिन, जिसके कारण क्या होगा, यूरिन का कलर रेड हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉर्ड रिमेन्स अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा. तो कौन सी कंडीशन में क्या होगी, जो कॉर्ड है मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से अटैच रह जाएगी. ऑप्शन में बैटल डोर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा, मेलावेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा या फिर नन ऑफ दी अबव. तो वो है बैटल डोर प्लेसेंटा और मार्जिनल प्लेसेंटा, जिसमें क्या होगा, जो कॉर्ड है अटैच रह जाएगी थोड़ी बहुत किससे, प्लेसेंटा से. नेक्स्ट इज विच वन इज द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. तो प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन फंक्शन क्या है. ऑप्शन में एसेलरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, हेल्पिंग इन ओव्यूलेशन या फिर इंक्रीजिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. मेन एक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन का एसेलरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज जिप फाइल इन कंप्यूटर कंटेंट्स. तो जिप फाइल है जो कंप्यूटर में क्या काम करती हैं, तो ये करती हैं कि जो भी हाई ह्यूज डेटा है आपका, उसको क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी और साइज को घटा देंगी. यदि आपका डेटा 8 MB है तो उसको 4 MB तक करके स्टोर कर देंगी. तो जिप फाइल का काम यही है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 125,
इन इंडिया डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर बर्थ, तो भारत में मृत्यु है जो कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवा लेनी चाहिए, तो वह 21 डेज के अंदर। नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो हर साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल इन एडल्ट्स, तो एडल्ट में जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो कैसा होता है, 0, 1 and 2 months, 2, 4, 6 months, 0, 6, 12 months या फिर 0, 1 या फिर 6 months। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जब एडल्ट्स का होता है तो उनको शेड्यूल होता है फर्स्ट डोज 0, दूसरा 1 में एंड लास्ट रहेगा 6 months में। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका डी। नेक्स्ट इज कंसीडर assertion एंड रीजन एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो, तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताना है। Use of ultraviolet rays as water purifies and discourages, it does not have residual effect. तो इसका residual effect नहीं होगा ultraviolet rays का पानी पर। तो यहाँ पर आप कोड दिए हैं कि A is false but R is true, A is true but R is false, both A and R is true but R is not correct explanation of A. तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा C, दोनों सही हैं लेकिन आर है जो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन पेयर्स पैचेस आर फाउंड, तो पेयर्स पैचेस कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय की लॉगर इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में की लॉगर का क्या मतलब है। ऑप्शन में सॉफ्टवेयर फॉर लॉगिंग इन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड, अ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग द रियल टाइम एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग की स्ट्रोक्स, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिटेल्स ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो की लॉगर का मतलब है यहाँ पर कि मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग द रियल टाइम एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग द की स्ट्रोक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 131, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्जाइमर डिसीज, तो अल्जाइमर डिसीज का मेन क्लिनिकल फीचर क्या होगा। ऑप्शन में अर्ली मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस, अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी लॉस या फिर होल मेमोरी लॉस। तो जो अर्ली क्लिनिकल फीचर होगा वो होगा रिसेंट मेमोरी लॉस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एन एवरेज प्रेगनेंसी, तो एक एवरेज प्रेगनेंसी में डेली कितने आयरन की जरूरत होती है, तो होती 1000 mg आयरन की डेली जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज फोबिया इज एन एग्जरगेटेड और अननेसेसरी फॉर्म ऑफ फियर, तो फोबिया किसका फॉर्म है, एक अननेसेसरी किसका, डर का, फियर का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ अ हेल्दी एडल्ट पर्सन, तो WBC कितनी होती हैं एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में, तो 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज अ परसिस्टेंस क्रेजीनेस टू ईट नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन ईटेबल्स आइटम्स इज नोन एज, तो नॉन ईटेबल जो आइटम्स होते हैं जैसे कि मिट्टी खाना, चौक खाना, ये सभी क्या होते हैं, पाइका। नेक्स्ट इन विच ईयर पास्को एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया, तो पास्को एक्ट है जो बच्चों पर हो रहे, जो 14 साल से कम एज के बच्चे हैं उनमें होने वाले क्राइम को लेके एक्ट लाया गया था। तो भारत में जो पास्को एक्ट है कब आया था, बच्चों के लिए लाया गया था पास्को एक्ट। ऑप्शन में 2005, 2012 या फिर 2010 या फिर 2009। जो पास्को एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड, तो यहाँ पर जो पास्को एक्ट है सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना बच्चों को, तो आया था 14 नवंबर 2012 को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है नॉर्मली विच ड्रग इज़ यूज टू डायलेट द पीपल ऑफ आई, तो आँखों की जो पीपल है उनको डायलेट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। ऑप्शन में जेंटामाइसिन, ट्रोपिकामाइड, लेवोफ्लॉक्सेसिन या फिर बीटा मेथासोन। जो मेडिसिन यूज़ की जाती है डायलेटेशन ऑफ पीपल में तो वो है ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट इज अ कंडीशन इन विच फोर स्किन ऑफ पेनिस इज सो मच नैरो दैट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस ऑफ पेनिस, ये सिचुएशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन में क्रिप्टोकॉर्चिडिज्म, फिमोसिस, एपिपेडियासिस या फिर नन ऑफ दी अबव, तो ये कंडीशन कहलाएगी फिमोसिस। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया को लेके रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन में डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो ये बिल्कुल सही है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है।
सिक टेस्ट इज डन टू नो द इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन, डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लास्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया बिटवीन 2 to 5 days। डिप्थीरिया जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, तो यहाँ पर 3 points सही हैं कि ये बैक्टीरिया से होगा, सिक टेस्ट इसके जो इम्यूनिटी के लिए किया जाएगा और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 दिन होता है, बट ये अफेक्ट करेगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ना कि लोअर को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज, विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आउट ऑफ द वैक्सीन गिवन बिलो, तो इनमें से सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। ऑप्शन में टीटी, पोलियो, मीजल्स या फिर डीपीटी। तो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है वो क्या है, पोलियो। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेल कटिंग इज ट्रू एक्सेप्ट, नाखून काटने को लेकर सभी पॉइंट्स सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फिंगर नेल शुड बी कट इन वन डायरेक्शन, टो नेल शुड बी कट स्ट्रेट अक्रॉस, नेल शुड बी कट फ्रॉम अ कॉर्नर या फिर नेल शुड बी कट एटलीस्ट एवरी 15 days। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, टो नेल शुड बी कट स्ट्रेट अक्रॉस। नेक्स्ट, ऑल आर द ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, तो सभी लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है किसी एक को छोड़कर। तो टॉन्सिल, थायमस, स्प्लीन, ये तीनों हैं और जो नहीं है तो है पैंक्रियाज, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्बन सोसाइटी एक्सेप्ट, तो सभी अर्बन सोसाइटी के लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर, शहरी समाज के लक्षण है किसी एक को छोड़कर। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हेट्रोजेनेसिटी, एनोनिमिटी एंड एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। तो अर्बन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होगा, हेट्रोजेनेसिटी होगी, विषमता होगी, वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे। ऑटोनोमिटी होगी, गुमनामी टाइप की, अपने अलग अलग तरीक़ों से लोग रहते हैं शहरों में, बट एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नहीं होंगे। नेक्स्ट इज, राइस वाटर स्टूल इज अ फाइंडिंग ऑफ विच डिसीज़, तो राइस वाटर स्टूल किस डिसीज़ की खास विशेषता है, तो वह कोलेरा की। नेक्स्ट इज, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन मेजर्स टू ओवरकम बैड बॉडी ऑर्डर, बैड बॉडी ऑर्डर को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। ऑप्शन में टू कीप अवर बॉडी क्लीन, है बिल्कुल सही है, हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, टू टेक डेली बाथ, डेली नहाना चाहिए, टू यूज द डिओड्रेंट्स, आप डिओड्रेंट्स यूज कर सकते हैं, टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, हमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर नहाने से बचना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लास्ट। विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थाल्मिया न्यूनिट्रम, तो ऑप्थाल्मिया न्यूनिट्रम जो कि बच्चों में यदि डिलीवरी के टाइम पर सही तरीके से बच्चे की जो कॉर्ड कटिंग, क्लीनिंग ये सब नहीं हो पाता है, तो ये कंडीशन हो सकती है बच्चों में, ये किसके कारण होती है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस के कारण। नेक्स्ट, डायरेटिक्स शुड बी गिवन यूजुअली एट विच टाइम, तो डायरेटिक्स हमेशा मॉर्निंग टाइम में ही दिए जाने चाहिए, ना कि इवनिंग, नून या फिर नाइट में। नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, तो यहाँ पर कंगारू मदर केयर को लेके 2 points दिए हुए, असर्शन एंड रीजन, कथन और कारण, तो इन दोनों में से आपको सही पॉइंट चूज करना है। KMC is a valuable method of giving nursing care to premature babies in developing countries. तो ये बिल्कुल सही है। This method help in maintaining temperature, improving growth and reducing infection in premature baby. तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट सही हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये को करेक्ट करेंगे, क्योंकि KMC प्रीमेच्योर बेबीज के लिए दी जाती है, क्यों दी जाती है, ताकि बच्चों को टेम्परेचर मेंटेन रख सकें, उनकी ग्रोथ को हम मेंटेन कर सकें, इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकें। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर में सही तरीके से इसको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस नोन एज, तो बंद जगह में डर लगना क्या कहलाता है। ऑप्शन में एक्रोफोबिया, साइनोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया फिर नेक्टोफोबिया, तो ये क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीनिस, तो गैस गैंग्रीन का कारण क्या है, तो वो क्लोरिस्ट्रिडियम परफ्रिंगेंस। ऑप्शन में ग्राम नेगेटिव बैसिलस, साल्मोनेला टाइप, HIV, बट आपका आंसर क्या होगा, क्लोरिस्ट्रिडियम परफ्रिंगेंस।
नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन द सर्वाइकल ओस रिमेन्स क्लोज्ड एंड देयर इज नो पैसेज ऑफ टिश्यू। तो किस टाइप के अबॉर्शन में सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगी और कोई जगह नहीं होगी टिश्यू को बाहर निकलने के लिए? ऑप्शन में कंप्लीट, इनवाइटेबल, इनकम्प्लीट या फिर थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो इस टाइप का अबॉर्शन क्या कहलाए? थ्रेटेंड अबॉर्शन, जिसमें सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगी। नेक्स्ट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म पुशिंग थ्रेटनिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग इवेंट्स और सिचुएशन आउट ऑफ कॉन्शियस मेमोरी इज टर्म्ड एज। तो ये किस टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म है? तो है रेस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो ओ नेगेटिव कैटेगरी के लोग क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इज विच गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर। तो भोपाल में जो 1984 में जो गैस त्रासदी हुई थी, तो उसके लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC गैस। नेक्स्ट इज विच वन इज द प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। तो 5 साल से कम एज के बच्चों में जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पर दिया जाएगा? तो ये दिया जाता है वास्टस लेटरलिस साइट में। ऑप्शन में था डेल्टॉइड, वास्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल या फिर डॉर्सोग्लूटियल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वास्टस लेटरलिस साइट। नेक्स्ट इज विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। तो प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सिचुएशन क्या कहलाती है? एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? ऑप्शन में डाइजापाम, एप्सोलिन, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर लेविटोलॉल। तो जो दी जाएगी वो होगी MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट इज इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के लिए इंडिया किस रीजन से आता है? अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन या फिर साउथ ईस्ट एशिया रीजन से। हमारा भारत आता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन से। नेक्स्ट इज विच सॉल्यूशन शुड बी यूज टू मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो यदि OT में ब्लड है जो गिर जाता है तो उसको हम कैसे क्लीन करेंगे, फर्श पर जो ब्लड गिरा है? ऑप्शन में सिडेक, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेवलॉन या फिर फॉर्मेलिन। तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसको क्लीन करेंगे। नेक्स्ट इज विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्लिट्रेशन ऑफ अम्बिलिकल वैन आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो आफ्टर बर्थ के बाद जो अम्बिलिकल वैन है किस ऑर्गन में कन्वर्ट होगी या फिर ऑब्लिट्रेशन क्या होगा? ऑप्शन में लिगामेंटम विनोसम, वेसिकल आर्टरीज, लिगामेंटम टेरेस या फिर फोसा ओवलिस। तो आफ्टर बर्थ जो ऑब्लिट्रेशन होगा अम्बिलिकल वैन का वो किस में होगा? लिगामेंटम टेरेस में। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो RBC का जीवन काल पूछा है तो कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूजुअल टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसीजर। लोअर सेंट्रल इंसीजर के बाहर आने का सबसे सही टाइम क्या होता है? 6 to 8 months। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग इज। प्रेगनेंसी में सबसे पहले जो क्विकनिंग फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है वो कब होने लगता है? तो ये 16 वीक से स्टार्ट हो जाता है किसी किसी प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर आप आंसर सी को जो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल। तो एड्स, यदि कोई एड्स पॉजिटिव पर्सन है क्या इंडिकेटर होगा? ऑप्शन में CD4 काउंट लेस देन 1000 सेल्स पर mm3 square, सॉरी क्यूबिक, CD4 काउंट लेस देन 800 सेल्स, CD4 काउंट 400 लेस देन 400 सेल्स या फिर CD4 सेल काउंट लेस देन 200 सेल्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, CD4 सेल काउंट है क्या हो जाता है यदि एड्स की कंडीशन है तो ये कम हो जाता है, 200 से भी कम। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज। तो फिजिकल सोशल कल्चरल हिस्ट्री की स्टडी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट। मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है प्रोलैक्टिन, इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर प्रोडक्शन पूछा है तो क्या? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन ड्यूरिंग द लेबर। तो कंप्लीट सर्विक्स डायलिटेशन कब कहा जाता है? जब सर्विक्स टोटल फुली 10 cm डायलेट हो जाए। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ कोट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इसको मैच करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4 चीज़ें दी हुई है, मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस। तो इन चारों की आपको डेफिनेशन साइड में दी हुई है लिस्ट सेकेंड में, इससे आपको मैच करना है।
ए का क्या है यहाँ पर, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, एनर्जाइजिंग टू अटेन सम स्पेसिफिक गोल। एंड सेकंड क्या है, फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर्स और नीड्स। तो यहाँ पर बी का क्या होगा, थर्ड। फिर आता है ऑप्शन नंबर सी, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स। दो एक सी चीज़ें, आपको उन दोनों में से किसी एक को चूज करना, उसमें आप फंस जाते हैं। फिर लास्ट आता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या है, साइकोलॉजिकल अपसेट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए। यहाँ पर मोटिवेशन क्या है, एनर्जी टू अटेन सम स्पेसिफिक गोल। एंड दूसरा आता है फ्रस्ट्रेशन, तो क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर्स और नीड्स। कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स इन इंडिविजुअल। लास्ट में आता है डी, स्ट्रेस क्या है, साइकोलॉजिकल अपसेट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। तो यहाँ पर आप ए को मार्क है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट। तो हेपेटाइटिस बी है जो इंट्रामस्कुलर रूट से ली जाती है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ स्टेनिंग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट एसिड फास्ट वैसिलाई। एसिड फास्ट वैसिलाई के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है, तो एसिड फास्ट वैसिलाई यदि आपको इस तरीके से याद नहीं होता है तो वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई है, वो क्या है, एसिड फास्ट वैसिलाई। इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, जील नेल्सन टेक्निक और जील नेल्सन स्टेनिंग। नेक्स्ट, इन अ 2 to 12 मंथ बेबी विच रेस्पिरेटरी रेट में बी एन इंडिकेटर ऑफ निमोनिया। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि अब जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें आपको इसका आंसर मैं बताऊंगी, बट बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर आप लोग जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 170 लास्ट क्वेश्चन है जो इस पेपर का। अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें जीके हिंदी इंग्लिश स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 51 से पेपर सॉल्व कर लिया 170 नंबर के क्वेश्चन तक, बट अब जो आगे के स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन बचते हैं जिसमें हिंदी रही है आपकी, तो इन क्वेश्चन को, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम तो ये सेट सी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। सभी में क्वेश्चन सेम थे, सेट अलग अलग कर दिए थे, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आगे का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।